Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard history lesson number 14 and that is last chapter and that is formation of state of Maharashtra. So in this video we are going to see question answer this chapter. Pura aapke digest ka answer hai. Okay. So first thing you have to watch 480 resolution. On 480 resolution aapko dekhna hai video. At least 360 resolution pe aapko dekhna hai. इससे कम में देखोगे लाइक 144 या 240 पे देखोगे तो वीडियो क्लियर नहीं दिखाई देगा. ऑलरेडी मैंने सारे चैप्टर्स बनाए हैं, हिस्ट्री के एक्सप्लेनेशंस भी कुछ चैप्टर्स के बनाए हैं. ठीक है, आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए. वैसे फ़िलहाल जो भी आपके चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं थोड़े बहुत ब्लर हैं, जिसकी वजह से बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि इसे वापस से बनाइए, इसलिए मैं इसे वापस से बना रही हूँ. ठीक है, द स्टेट ऑफ डैश वॉज फाउंड ऑन 1st May 1960. 1st May को हम महाराष्ट्र डे मनाते हैं, महाराष्ट्र आएगा. सेकेंड में देखो, डैश पुट फॉर द प्रपोजल ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र विद मुंबई इन द मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. आचार्य अत्रे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के एक्सेप्ट किए गए कौन? यशवंतराव चव्हाण. राइट आंसर इज सेनापति बाबत. आंसर सबके यहाँ पे दिए गए हैं. ओके, अभी यहाँ पे वैसे ही सेम क्वेश्चन है, मैं आपको सीधा आंसर बताती हूँ. यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नागपुर, सेनापति बाबत मराठा. अंडरलाइन जिसको कर रही हूँ समझ लीजिए कि वही आपका आंसर है. ओके, आंसर इज गिवन ओवर हियर एज यू कैन सी, मराठा. नाम बताने हैं आपको. यहाँ पे देखो तीन क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं. ठीक है, तीनों क्वेश्चन अच्छे से देख लो और सबके आंसर यहाँ पे दिया है. मैं वापस से एक बार जूमिंग करके बताती हूँ. पहले वीडियो में यही एक प्रॉब्लम हुआ था कि मैंने अच्छे से जूमिंग कर करके नहीं बताया था, थोड़ा बहुत आई थिंक ब्लर था शायद पिक्चर, तभी बच्चे बोल रहे थे बार बार वापस बनाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे वापस बना रही हूँ वीडियोस. इसी तरीके से आपको कोई वीडियो चाहिए आप इसी तरीके से कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे. लास्ट में जो ओरल टेस्ट रहता है, अगर ओरल टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है और आपको उसका आंसर चाहिए, ये देखिए आंसर इन वन सेंटेंस है, सो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी. मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन चाहिए इसके तो आप कमेंट सेक्शन बताइए. मैं क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, अदरवाइज आपको चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा. फिलहाल जो कमेंट्स आ रहे हैं मैं वही बना रही हूँ वीडियो. ये 14 लेसन अभी तो मुझे नहीं लगता जरूरी है, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर तो आपका अप्रैल में एग्ज़ाम होता है. फिर भी बार बार बच्चों के कॉमेंट्स आ रहे हैं तो फिर भी मैंने बना दिया. ठीक है, जिन बच्चों को ज़रूरत होगी उनका काम हो जाएगा. डू एस डायरेक्टेड में आंसर देख लीजिए, ये सही कई सारे क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चन को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आंसर्स दिए हैं ना विद क्वेश्चंस दिए गए हैं. जैसे ये देखो, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ. एक्चुअली कंटिन्यूस लेक्चर्स की वजह से मेरा थ्रोट थोड़ा ख़राब हो गया, तबीयत थोड़ी सी नासाज है. ठीक है, बट फिर भी बार बार कमेंट्स की वजह से बच्चे परेशान हैं, इसके लिए मैं वीडियो यहाँ पे बना दे रही हूँ. अभी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया आज की आज ही चाहिए उनको, इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ.
तो देख लीजिए ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो। अब इसका जो आंसर है वो आपको जो फिलिंग द ब्लैंक है ना यहाँ पे देखो, जैसे अभी आपको यहाँ पे क्या समझ में आया, जो पहला है वो ब्लैंक है और इधर दूसरा ब्लैंक है, तो आप कैसे समझोगे कि कौन सा क्वेश्चन है। तो देखो जितने भी आंसर आप लिख रहे हो ना सब यहाँ पे ऑरेंज कलर में है, तो समझ में आ गया यहाँ पे कि कौन से आंसर हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन नहीं भी देखेंगे तब भी समझ लेना है आपको। 2 मार्क्स के लिए आता है शॉर्ट नोट्स आपको, संयुक्त महाराष्ट्र परिषद क्या है आंसर देखिए, एकदम जूम इन करके दिखाया है। 480 रेजोल्यूशन पे देखोगे एकदम क्लियर वीडियो देखेगा आपको, पॉइंट वाइज आप आंसर देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए ये 3 पॉइंट है, इसी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक बार पूरा जूम इन करके बता रही हूँ, एक बार पूरा आंसर इस तरीके से दिखा रही हूँ ताकि आपको जैसे कंफर्टेबल हो, जैसे सूटेबल हो आप वैसे ही आंसर लिखिए। अब 3 पॉइंट यहाँ पे है और भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं उसी क्वेश्चन का है। यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे, फोर्थ वन इज कमीशन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स, पॉइंट वाइज यहाँ पे देखो दिया गया है, क्लियर है एकदम। ये सारे शॉर्ट नोट्स के आंसर हैं जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। टू मार्क्स के लिए ये भी आंसर्स हैं, व्हाट स्टार्टेड द डिमांड फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन मराठी स्पीकिंग पीपल, तो मराठी बोलने वालों की क्या डिमांड स्टार्ट हुई इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए, तो यहाँ पे देखो दिया गया। बहुत इजी है सारे आंसर, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ इसे, बट क्योंकि थोड़ा सा गला ख़राब है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि जो NCKL कर उन्होंने क्या प्रेजेंट किया, क्या आइडिया बताया कि जितने भी मराठी स्पीकिंग पीपल हैं ना, जितने भी लोग हैं उनको वन डोमिनेशन के अंदर लाना है, डोमिनियन के अंदर। और 1915 लोकमान्य तिलक ने क्या डिमांड किया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेस्ड पे क्या करो, रिकंस्ट्रक्शन करो एक स्टेट का। बेलगांव में फिर क्या किया, साहित्य सम्मेलन, एक संयुक्त महाराष्ट्र के रिगार्ड, मतलब यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया, एक मूवमेंट फॉर्म इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मराठी स्पीकिंग पीपल। थोड़ा सा ये ब्लर है, मैं आपको बताती हूँ क्या है, एम्पल, एम्पल है। फाइनेंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर टेक्निकल, ये ई है, ठीक है। एंड वोकेशनल एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द पॉपुलेशन इन द रीजन, रीजन REGION, इस पर लिखते नहीं जम रहा है बट फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ ये क्या है। यहाँ पे
सर्विसेज, SERVI सर्विसेज, एजुकेशन ई है, ये आई है, टी है, ये ई है, यहाँ पे भी ई है, एफ है, वंस ये ई है, इन अ ईयर एन असेंबली सेशन विल बी हेल्ड एट नागपुर. वॉट हैपेंड ऑन द डे अ ग्रैंड मार्च वॉज टेकन टू विधानसभा. क्लियर है? संयुक्ता सेंट्रल फॉर्मेशन, इंदिरा संयुक्ता. इसी का आंसर यहाँ पे है 6 पॉइंट. फोर मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है, तो आंसर भी बड़ा ही होगा इसका. पूछा गया है किस तरीके से, हाउ डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट फेवर महाराष्ट्र मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ संयुक्ता महाराष्ट्र समिति. तो गवर्नमेंट ने कैसे इसे हेल्प किया, तो देखो दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अनवेल करने जा रहे थे स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, माउंटेड ऑन अ हॉर्स ऑन प्रतापगढ़ में, ठीक है, जो घोड़े पे बैठे थे. 30 नवंबर 1957 एक ऐसा स्टैचू जिसपे छत्रपति महाराज घोड़े पे बैठे हैं. माधवराव भगल इनके लीडरशिप में संयुक्ता महाराष्ट्र समिति ह्यूज डिमॉन्स्ट्रेशन में चल रहा था. डिमॉन्स्ट्रेशन में मैं ज़ूम इन करके बताती हूँ. ये किसका पिक्चर है, आचार्य पी के अत्रे, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा इनका संयुक्ता महाराष्ट्र मूवमेंट में.
बहुत इजी सारे आंसर है। क्या फ़ायदे हुए इसके, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ओरल एग्जामिनेशन यहाँ पे सारे हैं, तो यहाँ पे अगर आपको सारे आंसर मिल जाते हैं खुद से कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करिए कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, तो उसका शॉर्ट वीडियो मैं ज़रूर बना दूँगी।